गुड मॉर्निंग एवरी वन हाई दिस इज विशाल कुमार तिवारी एंड टुडे एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग कल्चर एंड अबाउट सी स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड विच इज सिचुएटेड इन नंबर नॉर्थ प्लान मुंबई सो आज हम बात करेंगे कि सी uh, एट का कल्चर क्या है वर्किंग स्टाइल क्या है और यहाँ के कुछ बेसिक काम के बारे में कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि सी में जो भी लोग आते हैं वो जनरली स्टेट कैंपस के थ्रू लेना पसंद करती है यहाँ पे स्टार्टिंग लेवल आपका एसोसिएट होता है मतलब एसोसिएट ट्रेनिंग फर्स्ट स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर के लिए आप एसोसिएट uh, ट्रेनी रहते हैं विद इन दैट पीरियड आप वर्किंग uh, मतलब काम के बारे में सीखते हैं मशीन के बारे में सीखते हैं आपको हर एक मशीन पर इंडिविजुअली विजिट करना होता है वहाँ पर आप ट्रेनिंग लगते हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग प्रोसेस uh, के रिगार्डिंग सब कुछ आप स्टडी करते हैं रीड करते हैं और सीखते हैं इसके दौरान आपको आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट आपको काम करना होगा जिसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और उसके बाद आपका कंफर्मेशन हो जाता है सो वर्किंग कल्चर सी का यहाँ पे है कि सी uh, में जनरली लोग एस कल्चर को फॉलो करते हैं एस कल्चर क्या होता है सेल्फ़ मैनेज टीम होता है सेल्फ़ मैनेज टीम में आपका मतलब ये होता है कि आपकी एक टीम होगी जो आप लोग मिल कर के एक मशीन को चलाएंगे और यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपना डिप्लोमा इंजीनियर होता है ताकि कोई भी इशू आए कोई भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो अपने लेवल पर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकें तो इससे ये होता है कि आपकी लर्निंग और आपकी स्किल काफ़ी डेवलपमेंट होते हैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि सी में होते हैं लाइक like, आपका मशीन लोकेशन के बाद आपको वहाँ पे परफॉर्म करना होता है अगर बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर और बीइंग एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन द मशीन देन आप उस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं चाहे वो रिलेटेड टू मैकेनिकल हो इलेक्ट्रिकल हो और इलेक्ट्रॉनिक्स हो क्योंकि सब कुछ एक मशीन पे हर तरह के टेक्नोलॉजी को यूज़ किया ही जाता है तो आप जिस डिपार्ट से हो अगर वो आपके अंडर आता है या फिर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको नॉलेज है तो इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा मौका आपको दिया जाएगा सी के अंदर और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे आप एक चीज़ को सीखने के बाद आपका जॉब रोटेशन होता है ताकि आप किसी दूसरे चीज़ को भी सीख सकें इस तरह से आपको कंपनी का या, या पूरी कोशिश होती है कंपनी की वो आपको पूरे प्लांट के पूरे मशीन का नॉलेज दे ताकि कल को जाकर के आप कहीं भी ख़ुद को प्रेजेंट करें तो एक सी से आए हुए हैं और उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कुछ ऐसा प्लान होता है और बेसिकली यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग सोचते हैं आपके स्किल के ऊपर पूरा काम किया जाता है आपको बहुत सारी मशीन और बहुत सारी चीज़ों को सिखा के मल्टी स्किल बना दिया जाता है ताकि आप कहीं पर भी ईजीली वर्क सक, कर सकें मशीन प्लांट के अंदर इससे कंपनी का भी फायदा होता है कि किसी भी केस में इमरजेंसी केस में लाइक शट डाउन ना हो या किसी के वजह से किसी का काम रुका ना हो क्योंकि सब कुछ जब सब कुछ आता रहेगा तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें इस एट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ऑफ़कोर्स मेरे तरफ से तो हाँ होगा कि ज्वाइन कर लें अगर सीखना का पर्पज़ है अगर आपका सीखना पर्पज़ है या फिर आप सिर्फ बहुत सारी चीज़ें जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इन सारी चीज़ों के लिए सी बेस्ट प्लेस है अदरवाइज़ अगर आप अपने अपनी बाउंड्री को फिक्स करके रखें या फिर आपकी दुनिया लिमिटेड है कि आपको यही अपनी ये पढ़ाई करी हो सिर्फ यही करना है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है तो आप तब से एट में आप मत आएँ मेरा तो ये सजेशन होगा आपको क्योंकि आप आएंगे तो आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा सब कुछ सीखना ही है और मिलके कंपनी के लिए परफॉर्म करना है कंपनी का ग्रोथ यानी कि आपका ग्रोथ थैंक यू